नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते आज के हेडलाइंस पर। उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा निर्विरोध जीते राज्यसभा चुनाव में, वोटिंग से पहले ही खोला बीजेपी का खाता। सीएम नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का किया निरीक्षण, मॉडल अस्पताल के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल, तेजस्वी यादव ने कहा नहीं पड़ता फर्क। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त, नेताओं मंत्रियों को मिलता है स्पेशल ट्रीटमेंट। बीजेपी की युवा आक्रोश रैली में फंसे थे न्यायाधीश, सुनवाई के दौरान डीजीपी और डीसी को लगाई फटकार। और 5 और 6 अक्टूबर के बाद झारखंड में हो सकती है चुनाव की घोषणा, चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार। झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और सिर्फ नेता मंत्री को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। दरअसल पिछले 23 अगस्त को भाजपा की युवा आक्रोश रैली के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी काफी देर तक काके रोड में जाम में फंसे रहे। इसके बाद आज उन्होंने डीजीपी, रांची डीसी, एसएसपी और ट्रैफिक एसपी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। इसी मामले को लेकर सभी कोर्ट पहुंचे थे। 6 अक्टूबर के बाद झारखंड में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि हम चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग द्वारा झारखंड में नई अपडेटेड मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है। नई गणना के मुताबिक प्रदेश में अब 2,57,78,000 मतदाता हो गए हैं। वहीं 53 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 12 केंद्रों को मर्ज किया गया है। अब राज्य में कुल मतदान केंद्र की संख्या 29,562 हो गई है। क्या है उसका? देखिए, उसका संबंध में वो अभी वो माननीय हाईकोर्ट में अभी रांची में वो केस चल रही है, उसमें उसका बीच में हम लोग का कोई टिप्पणी देना उचित नहीं होती है। उसका वो हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट का क्या क्या निर्देश है उसका हम लोग पालन करते हुए उसका कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को टिप्पणी नहीं करेंगे। उसमें हम लोग का काउंटर फाइल करने का डेट दिया हुआ, समय के अनुसार हम लोग उसका फाइल करेंगे। हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि जमीन का दस्तावेज देख कर पहचान पत्र जारी किया, कोई कमीशन वो हमारे हाईकोर्ट क्या डायरेक्शन है उसका हम लोग पालन करेंगे। उसका डायरेक्शन क्या है उसका कर ले रहे हैं, उसके साथ में काउंटर एफिडेविट फाइल करना वो भी हम लोग समय पर कर लेंगे, इसलिए उसमें ज़्यादा वो चर्चा करना उचित नहीं होगा। कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया आइडेंटिफाई हुआ है आपके? उसका चर्चा करना नहीं उचित नहीं होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, किसी का पहचान करना है तो प्रोसेस क्लियर है, फॉर्म 6 फाइल करना है। फॉर्म 6 का अंतर्गत में कोर डॉक्यूमेंट, नॉन कोर डॉक्यूमेंट करके दिया हुआ है। कोर डॉक्यूमेंट उनका एड्रेस प्रूफ का संबंधित डॉक्यूमेंट देंगे, आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रल 1960 के अंतर्गत उसी का कराया जाता है। उसमें कहां पर भी उनका आइडेंटिफिकेशन नेशनलिटी के पास संबंध होगी, मतलब उसका MHA का संबंध में कुछ करने के लिए आपका किसी का भी ऑब्जेक्शन होगी, मतलब फॉर्म 7 फाइल कर सकते हैं। सर, गवर्नमेंट सालों से झामुमो के साथ रिश्ता, दिशोम गुरु के बाद पार्टी के सबसे सीनियर लीडर चंपई सोरेन अब झामुमो के नहीं रहे। जेएमएम से अलगाव की आधिकारिक तौर पर चंपई सोरेन ने पुष्टि कर दी है। बेटे बाबूलाल सोरेन भी पिता के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कोल्हान की सियासी हवा से संकेत मिल चुके थे। रांची में कोल्हान से मिल रहे उस संकेत पर इशारों में ही सियासी मुहर लग चुकी थी। वक्त मुलाकात का दिल्ली में तय हो चुका था। चाचा अपने दिल में सियासी साथी की तलाश खत्म कर चुके थे। मामा भी यहां पूरी प्लानिंग कर चुके थे। चाचा और मामा दिल्ली से देर शाम बीजेपी के चाणक्य से मिलने पहुंचे और सब कुछ जो पहले से तय था वो तस्वीर साफ हो गई कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 30 अगस्त को फाइनली कमल थाम लेंगे। दिल्ली में बीजेपी में शामिल होने की औपचारिकता से पहले कोल्हान में चंपई सोरेन ने इशारों में ही सब कुछ क्लियर कर दिया था। हेलो,
आज जो ये हमारा एक एक चैप्टर खुलते जा रहा, बहुत जल्दी आप लोगों को खुलासा करेंगे। चाचा यानी चंपाई सोरेन, मामा यानी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, बीजेपी पर पार्टी तोड़ने के आरोप पर हिमंत बिस्व शर्मा जवाब देते हुए कह चुके थे कि कुछ महीनों से उनकी चंपाई सोरेन से बातचीत चल रही है। यानी वो कुछ महीना कहीं वही तो नहीं जिसका जिक्र खुद चंपाई सोरेन पार्टी से बागी तेवर अपनाते हुए कहते आ रहे हैं। खैर, क्लेरेंस रांची में अपने बयान से हेमंता ने चंपाई सोरेन को लेकर कर दिया था कि जिस नए साथी की तलाश चंपाई सोरेन कर रहे हैं वो साथी बीजेपी ही है। तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूँ आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है। चंपाई सोरेन कोलकाता से दिल्ली पहुंचे थे और रांची से दिल्ली हेमंत बिस्व शर्मा, लेकिन दिल्ली में दोनों साथ हो लिए, एक साथी बनकर साथ चलने सेम राह पर चल पड़े। गृह मंत्री अमित शाह से चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन की मुलाकात खुद हेमंत बिस्व शर्मा ने कराई और ये तय हो गया कि कोल्हान टाइगर अब कमल थामने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज। कोल्हान में जेएमएम का किला अभेद रहा है और अब उस अभेद किले की बुनियाद बुलंद करने में जिस शख्स का बड़ा रोल रहा है वो है चंपाई सोरेन। बीजेपी में चंपाई सोरेन के जाने से झामुमों को दुख भी है और बीजेपी से नाराजगी भी, और इधर बीजेपी इसे चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक समझ रही है। झामुमो के साथ कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन का लंबा सफर अब यहीं खत्म होता है। कोल्हान के टाइगर ने जीवन का अध्याय अब शुरू कर लिया है। कमल से चंपाई सोरेन के साथ मिल गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई सोरेन ने नए साथी की तलाश कर ली है। अब सवाल है कि जो कोल्हान झामुमो का अभेद गढ़ रहा है उसकी पैठ बनाने में कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन का बड़ा रोल रहा है। झामुमो अब चंपाई सोरेन के स्टैंड से नाराज भी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पर हमलावर भी। चंपाई बाबू का वक्तव्य कुछ दिन पहले का कि मैं जिस पार्टी को सींच कर बड़ा किया हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में उन्होंने बोला था कि उस पार्टी को मैं कमजोर नहीं करूँगा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। उनका कोई भी राजनीतिक कदम हो, वो किसी भी दल में जाए, लेकिन उन्होंने तो बोला है झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर नहीं करूंगा। तो अब ये वक्त बताएगा कि कमजोर कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी या अपने इस निर्णय से खुद चंपाई दा कमजोर हो जाएंगे। और जनता लोकतंत्र में तय करती है राजनीतिक भविष्य, लेकिन इतना ये प्रमाणित हो गया कि सबसे बड़ी पार्टी, बोलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मिस कॉल वाली पार्टी, सबसे मजबूत नहीं मजबूर पार्टी है। वो हमारे पार्टी के नेताओं पर डिपेंडेंसी उनकी हो गई है, चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे अब जो आसन्न विधानसभा चुनाव है उसमें उनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो अच्छा है, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पार्टी के नेता को चेहरा बनाए, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा, बाबूलाल जी का क्या होगा, अर्जुन मुंडा जी कहाँ जाएंगे, रघुवर दास भी खबरें थी कि वो भी आ रहे हैं, तो ये पार्टी अब पूर्व मुख्यमंत्रियों की पार्टी होगी। चंपाई सोरेन के स्टैंड से सवाल उठता है कि चंपाई सोरेन जैसे साथी पाकर बीजेपी को कोल्हान के साथ साथ झारखंड में कितना फायदा होगा। झामुमो से चंपाई सोरेन की बगावत झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर असर डालेगी। दिशोम गुरु के बाद झामुमो में चंपाई सोरेन सबसे सीनियर ट्राइबल लीडर माने गए हैं। कद उनका ऐसा है कि हेमंत की गिरफ्तारी के बाद सत्ता की कमान भी चंपाई सोरेन के ही हाथ में गई थी, लेकिन हालातों के बीच मुख्यमंत्री से मंत्री बनना शायद चंपाई सोरेन रास न आया और बीजेपी के लिए ये बगावत एक ऐसा मौका बन गया और ये मौका अब चंपाई सोरेन के रूप में साथी के तौर पर हो चुका है। के कद्दावर नेता कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध और आदिवासी समाज के बड़े चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में अभिनंदन है, स्वागत है। आपके आने से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी बल्कि भारत रत्न
आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड बनाने में हम सबको आपका सहयोग मिलेगा। हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम मिल करके एक बेहतर झारखंड के निर्माण में आगे बढ़ेंगे और झारखंड को बनाया भी हमने है और संवारेंगे भी हम ही। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। अब जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उनको मुख्यमंत्री रहते हुए जबरन रिजाइन कराया गया, विधायक दल की बैठक बुलाई ली गई, उनको खबर तक नहीं हुई। मुख्यमंत्री रहते उनको कार्यक्रमों में जाने में और उनको जो सरकारी कार्यक्रम थे उसमें जाने में पाबंदी लगा दी गई थी, तो ये उनके लिए बेहद अपमान का मसला था और उन्होंने अपना रास्ता तय किया है। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है और हमें लगता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा और ये डूबते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहाज को जल्दी डुबाएगा, क्योंकि वो कद्दावर नेता थे, कोल्हान में कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे। लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि जो परिवार के बाहर का, डायनेस्टी के बाहर का होता है, सोरेन डायनेस्टी के बाहर का नेता, उसको तवज्जो नहीं मिलती है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने में। अब 30 तारीख को वो रांची में भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक रूप से दामन थामेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। देखना यह होगा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद वे कितना असर डाल पाते हैं। चंपाई सोरेन की गैर मौजूदगी में झामुमो को कोल्हान प्रमंडल में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती होगी, क्योंकि पिछली बार इस प्रमंडल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज। सूबे के पूर्व सीएम के बीजेपी में शामिल होने पर जमशेदपुर के बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है। नेताओं का कहना है कि चंपई के पार्टी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इससे पहले भी गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई है। इससे पता चलता है कि अब झारखंड के नेताओं का जेएमएम से भरोसा उठ गया है, लिहाजा सभी लोग अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। झारखंड के सरायकेला जिला की अगर बात करेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। हमारे साथ में जमशेदपुर भाजपा के वरीय नेता भी हैं, केंद्रीय नेता भी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि चंपई सोरेन जो कद्दावर नेता है, जो काफी अनुभवी भी हैं, आज जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या उनके भाजपा में शामिल होने से कुछ उनके जो उनमें अनुभव है, क्या उनका अनुभव प्राप्त होगा, कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी कल पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा जी के साथ हुए कल मुलाकात किए दिल्ली पर। जानकारी दी है उसके मुताबिक 30 तारीख को चंपई सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी रांची कार्यालय में पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अगर चंपई जी पार्टी में आ जाते हैं तो चंपई आने से कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान होगी। इस प्रकार आदिवासी बहुल क्षेत्र जो हमारा सरायकेला, खरसवां, चाईबासा, चकद्दरपुर, मनोहरपुर, मझगांव, जगन्नाथपुर, इन सब क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसे अपना वोट बैंक समझती है, उस वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन जी के माध्यम से सेंध लगाने वाली है। तो चंपई सोरेन जी इसे कोल्हान के अनुभवी नेता हैं, टाइगर के रूप में जाने जाते हैं। काफी लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा को इन्होंने सींचने में गुरुजी के साथ सहयोग किया था, तो चंपई जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाली है और कोल्हान के सीटों में जहां अभी हम कमजोर होंगे उस पर चंपई जी के आने से लाभ प्राप्त होगा भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा की बात करेंगे तो क्या कभी भाजपा वहां से सीट निकाल पाई थी, या फिर पहले वहां भाजपा के विधायक भी थे, सांसद का बात करेंगे तो गीता कोड़ा वो भी भाजपा में शामिल हो गई है, और कितनी अधिक अगर उस क्षेत्र में देखते हैं? सरायकेला सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने वाली है और जगन्नाथपुर में गीता कोड़ा जी चुनाव लड़ेंगी संभवतः, तो गीता कोड़ा जी भी मजबूत स्थिति में है तो वहां भी हम सभी लोग जीतने वाले हैं। तो इस प्रकार गीता कोड़ा जी के आने से और चंपई सोरेन जी के आने से, गीता कोड़ा जी निरंतर चुनाव हारने के बाद भी आज भी क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, लोग एकजुट करने का प्रयास कर रही है और पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में पहल कर रही है। इसी का परिणाम है गीता कोड़ा जी को कल भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता भी नियुक्त किया गया। तो गीता कोड़ा जी और चंपई सोरेन जी दोनों के आने से पार्टी मजबूत होगी और भी बहुत लोग इच्छुक हैं आने के लिए भारतीय जनता पार्टी में, तो केंद्रीय नेतृत्व इसको तय कर रही है, राज्य के नेतृत्व से सलाह लेकर के, विचार विमर्श करके पार्टी इसको तय करेगी कि और कौन लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे।
देखिए, चंपई सोरेन जी झारखंड के भूमिपुत्र कहे जाते हैं और चंपई सोरेन जी कहीं ना कहीं झामुमो को यहाँ तक सींचने में उनका बहुत बड़ा अहम रोल था। और जिस प्रकार से चंपई सोरेन जी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो उनको अपमान करने का काम किया गया, उससे उनको जो आहत हुई, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को देखा और उसको समझा और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को पकड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए अपनी बातों को रखे और उसको हमारे केंद्रीय नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व के लोग इस चीज़ को विचार विमर्श कर उन्हें रांची कार्यालय में 30 तारीख को जो अभी दिनेश भाई ने बताया 30 तारीख को जो उनके ज्वाइनिंग के लिए डेट रखा गया है उस दिन उनके ज्वाइन करने के बाद उनको हम लोग अपने अपने जिला कार्यालय जमशेदपुर में भी उनका स्वागत करेंगे और ये आशा व्यक्त करते हैं कि उनके आने से पार्टी में और एकजुटता बढ़ेगी और हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में उभर कर आएंगे। तो चंपाई सोरेन पर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे वो सारे बिंदुओं पर विराम लगते हुए अब चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होने वाले हैं। 30 अगस्त को यह समय तय किया गया है, रांची में उन्हें पार्टी में शामिल होना है और खासकर यह भाजपा के जो समूह है उनमें भी खासा उत्साह देखा जा रहा है कि एक ऐसे कदावर नेता अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो उन्हें भी इनका फायदा मिलेगा। प्रभंजन जमशेदपुर। राज्य पुलिस के द्वारा सोनाहातू में बेहतर प्रयास देखने को मिला। थाना प्रभारी चंदन कुमार के द्वारा सोनाहातू थाना क्षेत्र के सरकारी तथा निजी स्थलों पर जाकर QR कोड चिपकाया गया, जिसमें लोग विषम परिस्थितियों में पुलिस की मदद लेने के लिए QR कोड का मोबाइल फोन से स्कैन कर इसका लाभ ले सकेंगे। इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पुलिस की आसानी से मदद ले सकता है। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में बिरसा विकास समिति के बैनर तले सूबे के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पात्र उर्फ राजा पीटर अपने हजारों समर्थकों के साथ 30 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे। इस मौके पर बिरसा विकास समिति के तमाड़ विधानसभा प्रभारी रोशन महतो से खास बातचीत। अभी हम तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के बुंडू मौसीबाड़ी के प्रांगण में भी खड़े हैं और यहाँ पर कुछ कार्य चल रहा है, स्टेज बन रहा है। हम आपके सहयोगी के सामने आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे स्टेज बन रहा है, कुछ नेतागण खड़े हैं। उससे पहले हम आपको एक जानकारी दें कि 28 तारीख को बिरसा विकास समिति के महासचिव राजा पीटर जी के द्वारा भुयाडी से चलकर बुंडू पहुँचेंगे और ये पदयात्रा उनकी लगभग 30 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और उसी को लेकर ये खास तैयारी चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम साफ सफाई के साथ साथ में यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। करीबन हजारों की संख्या पर यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो जुटेंगे। यहाँ पर स्टेज का निर्माण कराया जा रहा है, जो स्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी पीछे जो है स्टेज बनाया गया है और इसी स्टेज पर जो पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पात्र जी हैं वो यहाँ पर आएंगे और अपने समर्थकों को अभिवादन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर जो विशेष जानकारी है, उस विशेष जानकारी के लिए यहाँ पर बिरसा विकास समिति के तमाड़ विधानसभा प्रभारी हैं रोशन महतो जी, हम इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। रोशन जी, बताया जाए कि 28 तारीख का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से है, कैसे आप लोग इसको कर रहे हैं, इसका पूरा आप ब्यौरा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। सभी जन समस्याओं को लेकर हमारे पूर्व मंत्री राजा पीटर जी, जो बिरसा विकास समिति के महासचिव हैं, वो अपने समर्थकों संग पदयात्रा करने का निर्णय लिया है। गांव-गांव, देहात-देहात का जो भी जन समस्या है सबका समाधान हेतु वो अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री एवं महामहिम को भी दिया जाएगा। ये जो पदयात्रा है, विभिन्न समस्या आप कर रहे हैं, बहुत तरह की समस्या का आपने जिक्र किया है, क्या कुछ समस्या है जो तमाड़ विधानसभा में आप लोग देखते हैं और जिनका जिक्र जो है उस पत्र में होगा? देखिए, मुख्यमंत्री तो कहते हैं हमने झारखंड में सड़कों का जाल बिछा दिया, लेकिन बहुत सारा रोड, और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो सलगाड़ी नहर रोड है वो उसका स्थिति तो इतना दयनीय है कि वहाँ कोई लड़की ब्याहने तक नहीं खोज रहे हैं, इतनी ज़्यादा उधर रोड खराब है। और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे
यहाँ पर लगभग 50 से ऊपर तमाड़ विधानसभा में ट्रांसफार्मर खराब है, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। हमारे पूर्व विधायक जो हैं राजा पीटर जी, उनके सामने लोग जा रहे हैं कि हमारा गांव का समस्या का समाधान कर दीजिए, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, कितने बातों का मैं जिक्र करूं, वो तो सब हमारे माननीय श्री राजा पीटर जी अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन देंगे, सब उजागर हो जाएगा कि कितनी समस्याएं हमारे क्षेत्र में है। सभी मूलभूत समस्याओं को लेकर, जन समस्याओं को लेकर राजा पीटर जी पद यात्रा करने का निर्णय लिए। लगभग पद यात्रा 7-8 घंटे की रहेगी। बस सात आठ घंटा जो चलेंगे, क्या इसमें कितने लोग शामिल होंगे और उनके साथ साथ में, क्योंकि जैसे पिछले बार भी सुनने को आया था कि उनका पैर में कुछ मतलब ऑपरेशन वगैरह टाइप से कुछ नौबत आ गया, तो ऐसे क्या आन पड़ रही है कि उनका स्वास्थ्य को ना ख्याल रखते हुए जो है पद यात्रा पर जो है आप लोग आ रहे हैं? जी हाँ, उनका पैर में अभी भी सूजन है, आप देख भी सकते हैं, कभी कभी ब्लड भी आता है, लेकिन समस्याओं का समाधान जनताओं के लिए वो अपना प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारे अभिभावक राजा पीटर जी जनताओं के लिए तन मन धन सब लुटाने के लिए तैयार हैं, इतना तक कि अपना सेहत को भी वो नहीं सोच रहे हैं। जबकि वो कुछ दिनों पूर्व वो चेन्नई गए हुए थे अपना पैर का इलाज कराने के लिए, लेकिन फिर भी वो, उनका कहना है कि यहाँ की जो जन समस्याएं हैं इसको कोई सुन नहीं रहा है, कोई कर नहीं रहा है, मुख्यमंत्री सोया हुआ है, स्थानीय जो नेतागण हैं सभी सोए हुए हैं, सभी को निजात दिलाने के लिए हमारे राजा पीटर जी पदयात्रा का निर्णय लिए, इसीलिए वे पदयात्रा करने का निर्णय लिए। ठीक है, पदयात्रा तो होगा और करीबन 30 किलोमीटर जो है राजा पीटर जी भुयाडी चौक से चलकर, जो निर्मल चौक है वहाँ से चलकर बुंडू अनुमंडल पहुँचेंगे, और बुंडू अनुमंडल पहुँचने के बाद बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद इस मोसीबाड़ी मंदिर प्रांगण पर पहुँचेंगे और यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुँचे हुए उनके समर्थकों को अभिवादन करेंगे। हम इस विषय पर हम ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर रोशन महतो जी से मिले थे, जो तमाड़ विधानसभा प्रभारी थे। इसी तरह की तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। देखते रहे 99 न्यूज़। हमारे सहयोगी के साथ मैं अमित दत्ता, 99 न्यूज़, बुंडू। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई कहीं जाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी तो लोग गए थे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, अब आप कहीं भी जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग भी गए हैं, महाराष्ट्र में भी लोग गए थे ना, रिजल्ट क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल परिसर में बन रहे 100 बेड वाले मॉडल अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस परिसर में बन रहे मॉडल अस्पताल के बारे में जानकारियां ली। वहीं सीएम ने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। जमशेदपुर दौरे पर पहुंची बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से चंपई प्रकरण में जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी राजनीति में बच्ची हूं, लेकिन मैंने चंपई दादा से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हमारा संबंध उनके साथ एक परिवार जैसा है और मैं उन पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती। कंट्रीब्यूशन दिए हैं और जिनके वजह से मेरा भी क्षेत्र में काफी काम हुआ है। वाज एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ and part of our government also, so I give that respect to him and avoid saying anything on this topic. चुनाव आ रहा है, नेता तो दल बदल करेंगे, मगर क्या इफेक्ट कैसा रहेगा, क्योंकि कई नेता अभी एक दूसरे के पार्टी में भी जाएंगे और जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी, अगर अचानक से विधानसभा चुनाव के समय कई लोग बदलते, ये बड़े बड़े पूरे देश में अलग अलग उदाहरण कई सारे हैं कि लोग काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को 10-15 साल कंट्रीब्यूट करने के बाद। और यहाँ झारखंड में भी ऐसी स्थिति आप लोग पूर्व में भी देखें, ऐसा
बहुत सारा उदाहरण है कि काफ़ी अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन के बाद भी अगर दल बदल करने के बाद भी उस तरह का रिजल्ट नहीं आ पाया है जो हमने देखा है सीखा है। हम तो अभी सीख ही रहे हैं ना, हम तो नए नए पॉलिटिक्स में आए, फर्स्ट टाइम MLA है, तो हम तो ये देख रहे हैं जो अनुभव हम इतने दिन में किए हैं कि कितना भी लोग सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है, एक विचारधारा है कि हम इस विचार के साथ खड़े हैं, फिर विचारधारा बदल जाता है तो लोग कितना जा पाते हैं उस चीज़ के साथ, क्योंकि वो एक बदलाव आ जाता है। अगर हम एक नए विचारधारा के साथ मिल जाते हैं तो हम वो अम्बा नहीं, हम नए अम्बा हो जाते हैं। तो एक नए चंपे सोरेन को, सोरेन जी को क्या चैलेंज फेस करना होगा वो अब आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि और ये जनता सर्वोपरि है डिसाइड करने के लिए। आप किसी नई चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं तो आप एक नए इंसान बन जाते, मतलब यू हैव अ न्यू इमेज आफ्टर दैट। तो जो उनका अभी तक का इमेज रहा है वो उस विचारधारा के साथ रहा है, तो एक नया विचारधारा के साथ उनका क्या इमेज होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जमशेदपुर के कल्याण नगर, छाया नगर, भुया डी और इंदिरा नगर में बसे सैकड़ों घरों को तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया है। इसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि बीजेपी के लोग जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अपने आसियाना को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने भागते हुए जन नेता डॉक्टर अजय कुमार जी के शरण में जाकर उन्होंने अपनी आपबीती बताई, बताया कि साहब NGT के द्वारा हमें नोटिस दिया गया है कि आपके घरों को तोड़ा जाएगा। हैरानी की बात थी कि जब डॉक्टर अजय कुमार ने तत्परता के साथ जानकारी हासिल की कि भारत सरकार के अधीन आने वाली NGT को ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जमशेदपुर के गरीबों के इलाका को उन्होंने तोड़ने का अतिक्रमण का नोटिस कराया तो सनसनी खेच आएंगे। आबरा का दाबरा आपने देखा है, आबरा का दाबरा जादूगर अपना जादू दिखाता है। राम मिला है जोड़ी, एक आना एक कोड़ी, वही हाल है सरयू राय माननीय विधायक हम लोग के पूर्वी के। उनका मित्र अर्जुन मुंडा जी, ये तो शुक्र गुजार हूँ मैं जन जन के नेता डॉक्टर अजय कुमार जी का, उन्होंने गहराई से तफ्तीश किए और ये चिट्ठी, ये नोटिस NGT से निकाला कलकत्ता से, कि जिसका आवेदन जिनके कंप्लेनेंट अर्जुन मुंडा जी हैं, जिससे 150 घरों का आप उनको तोड़वाने का काम कर रहे हैं। ये सबसे दुखद है कि आप इस जनता को, आपको इतिहास याद होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री को जब उन्होंने कई घरों को, आसियानों को तोड़ा तो आज उन्हें जनता ने बेदखल कर दिया। गिरिडीह GT रोड में गेहूं के कागजात पर माइका की तस्करी की जा रही थी। डुमरी अनुमंडल पुलिस ने कुलगो टोल प्लाजा के पास से अवैध माइका से लदा दो ट्रक को जब्त किया है। चालकों ने पुलिस को ट्रकों में गेहूं लदे होने की कागजात दिखाए, लेकिन जब पुलिस ने ट्रकों की जांच की तो उसमें से माइका लदा मिला। मौके से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने चंपई के बीजेपी में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि चंपई सोरेन ने 5 महीने में अच्छा काम किया है, लेकिन JMM के लोगों ने एक आदिवासी नेता को अपमानित करके CM की कुर्सी छीन ली। बीजेपी में चंपई के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। अब जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उनको मुख्यमंत्री रहते हुए जबरन रिजाइन कराया गया, विधायक दल की बैठक बुलाई ली गई, उनको खबर तक नहीं हुई, मुख्यमंत्री रहते उनको कार्यक्रमों में जाने में और उनको जो सरकारी कार्यक्रम थे उसमें जाने में पाबंदी लगा दी गई थी, तो ये उनके लिए बेहद अपमान का मसला था और उन्होंने अपना रास्ता तय किया है। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है और हमें लगता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा और ये डूबते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहाज को जल्दी डुबाएगा, क्योंकि वो कद्दावर नेता थे कोल्हान में, कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे। लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि जो परिवार के बाहर का, डायनेस्टी के बाहर का होता है, सोरेन डायनेस्टी के बाहर का नेता, उसको तवज्जो नहीं मिलती है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने में। अब 30 तारीख को वो रांची में
भारतीय जनता पार्टी को औपचारिक रूप से दामन थामेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान। झारखंड में कुछ ही महीने के बाद झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां रेस हो गई हैं, सभी अपने अपने स्तर से जनता को रिझाने में लगी हुई है। चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टियां अपने आप को बेहतर साबित करने में लगी है। इसी कड़ी में आजसू ने भी जन जागरण पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी। सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर रेस हो चुकी है, उसी क्रम में आजसू की अगर बात करते हैं तो आजसू भी उसी क्रम में आगे बढ़ रही है। जहाँ एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर आजसू कार्यालय के बाहर की, जहाँ पर जन जागरण पद यात्रा और गाड़ी को यहाँ पर गिरिडीह के सांसद यहाँ पर रवाना करने जा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर ये सारी तस्वीर हम लोगों को देखने को मिलेगी। अलग अलग जिलों में सभी ये गाड़ियां जो है वो जन जागरण पद यात्रा के दौरान घूमती भी नजर आएगी। जो लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर इस गाड़ी के जरिए पद यात्रा करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे। तो ये पूरी तस्वीरें जो है वो फिलहाल हम आपको यहाँ पर आजसू कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहाँ पर खुद यहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी मौजूद है, देव शरण भगत मौजूद है, ये सभी लोग यहाँ पर है और यहाँ पर ये गाड़ियां जो है वो अब रवाना होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुद यहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना करेंगे। जन जागरण पद यात्रा जो है और वो यहाँ पर किया जाएगा और इसको लेकर के अब गाड़ियां जो है उसे यहाँ पर हरी झंडी यहाँ पर दिखाते हुए यहाँ से रवाना किया जा रहा है। खुद चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, गिरिडीह से सांसद है और अब यहाँ पर पद यात्रा जो है उस गाड़ी को यहाँ पर रवाना किया जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां रेस हो चुकी हैं और उसी क्रम में आज सुबह भी ये तस्वीर देखने को मिल रही है। लगातार आज सुबह विधानसभा चुनाव को लेकर के बूथ स्तर से लेकर सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है, साथ ही साथ लोगों से मुलाकात कर रही है, जनता के बीच जा रही है, उन सभी चीजों को और ताकत देने के लिए पूरी तस्वीर जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। गाड़ियों को यहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी ने हरी झंडी दिखाया और अब सभी गाड़ियां जो है वो यहाँ से आजसू कार्यालय से निकल रही है। तो आपको हम फिर से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर आजसू कार्यालय से दिखा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर इसको लेकर के क्या कुछ कहना है, क्या कुछ तैयारी है और जिस थॉट प्रोसेस के साथ यहाँ पर शुरू किया जा रहा है वो क्या कुछ रहेगा, क्योंकि इस जन जागरण पद यात्रा गाड़ी में LCD स्क्रीन के माध्यम से वर्तमान सरकार यानी कि हेमंत सरकार ने जो वादे किए थे पिछले चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में, उन वादों को पूरा नहीं करने को लेकर के जनता के बीच सभी बातों को रखेंगे। तो देखिए चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ पर है और उनसे बातचीत करते हैं। सर उधर से गाड़ी उधर जाके विजुअल हो जाए, उधर देखा था गाड़ी वाला लोग जा रहा है, अभी चुनाव का बिल्कुल बुकने वाला है और चुनाव की तैयारी है और वर्तमान में जो जन जागरण अभियान का उद्देश्य है कि पिछले 5 साल में जो वर्तमान सरकार के द्वारा जो झारखंड के लोगों को आश्वासन दिया गया, जो एक भी वादा नहीं पूरा किया गया, उन सारे विषयों को लेकर हम लोग सरकार के विरुद्ध में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विरुद्ध में लोगों के बीच में जाएंगे और यह लोगों को जगाएंगे, लोगों को संदेश देंगे कि यह सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ा है और जिस प्रकार वादा खिलाफी 5 साल जो वादा करके जो मुकरे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, इस तरह से कई एक विषय हैं जो इनके द्वारा नहीं किया गया और फिर से झूठा वादा, फिर से चुनाव आ रहा है तो फिर से झूठा वादा करके लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इस जन जागरण के माध्यम से हम लोग हर एक गांव तक, हर एक पंचायत तक हम लोग जनता के बीच में पहुँचे हैं। आज की गाड़ियाँ सभी विधानसभा में गाड़ी जाएगी और प्रचार प्रसार करेगी, क्योंकि संगठन है और संगठन का उद्देश्य जो हर एक जगह पर, हर एक पंचायत में हम लोग इसको
इस संदेश को लेकर हम लोग जाएंगे। एनडीए के साथ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया उनके ट्वीट से, कल सीटें कितनी होंगी कमान से? सीटें कोई महत्व माने नहीं रखता है, चुनाव जीतना महत्व है और सरकार बनाना महत्व है। जो चुनाव जीतेंगे वैसे ही उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। अभी बीजेपी में शामिल है, इसका आप कितना बड़ा असर देखते हैं कुलहान जी का? देखिए वो तो अभी तक कब आ रहे हैं तो अलग बात है, विषय है। अखबारों में मैंने देखा है कि भाजपा ज्वाइन करें, मैं एनडीए में उनका स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पर वैसे गद्दावर नेता जो पूरा जीवन कुलहान के क्षेत्र में संघर्ष किया है तो उसका फायदा एनडीए को मिलेगा। तो आपने यहाँ पर साफ तौर पर चंद्र प्रकाश चौधरी को सुना जो कि गिरिडीह के सांसद है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तैयारियां जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर के है, और विधानसभा चुनाव को लेकर के ही आज यहाँ पर जन जागरण पद यात्रा गाड़ी को यहाँ पर रवाना किया गया है। तो इन सारी चीजों को लेकर के साफ तौर पर इन्होंने अपनी बातों को रखा, और साथ ही साथ चंपाई सोरेन मामले को लेकर के साफ तौर पर कहा कि वो उनका स्वागत जो है वो एनडीए में करते हैं, और उनके जैसे कद्दावर नेता का एनडीए में शामिल होना कहीं ना कहीं कोल्हान के लिए काफी अच्छी बात है। फिलहाल इस खबर में मैं सतत नहीं, सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे 99 न्यूज रांची। मोतिहारी के सुगापी पर गांव में बिजली का कनेक्शन काटने को लेकर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल गांव में एक बिजली मिस्त्री प्रीपेड मीटर लगाने के लिए पहुंचा था, लेकिन ग्रामीणों ने मीटर नहीं लगाने दिया, जिसके बाद विभाग ने कनेक्शन काट दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला को शांत करा दिया, और विभाग ने गलती मानते हुए फिर से कनेक्शन जोड़ दिया। पिछले 5 दिनों में लगातार गंगा के जलस्तर में गिरावट दर्ज किया जा रहा है, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर से गंगा का जलस्तर 48.41 पर स्थित हो गया। संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि एक बार फिर से गंगा के जलस्तर में थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है। हालांकि जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ का संकट अभी टला नहीं है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में एकीकृत पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत कटिहार रेल मंडल के करीब 2000 से अधिक कर्मियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जो कर्मी रिटायर हो गए हैं उनका भी डेटा तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सभी कर्मियों ने पीएम मोदी का आभार प्रकट किया है। 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ था, उसके बाद से इसमें बहुत सारी विसंगतियां थी और जिसके कारण कर्मचारियों में काफी रोष भी था, और उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल डेढ़ साल से कमेटी बनाई हुई थी, जिसके मैंने रिकमेंडेशन पे ये यूपीएस लागू किया गया है। एनपीएस में जो मेन मुद्दा था सभी लोगों का संतोष का, तो उसमें सारा कुछ जो था एसोर्ट कुछ भी नहीं था, सारा कुछ था मार्केट पे डिपेंड करता था, किसको क्या मिलेगा, भविष्य में क्या स्थिति होगी किसी को पता नहीं था। लेकिन अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने लागू करने की घोषणा की है उसके अंदर एसोर्ट पेमेंट पेंशन का व्यवस्था की गया है। जो भी 25 साल की सेवा देने के बाद रिटायर होंगे उनको लास्ट 10 मंथ का जो बेसिक है उसका 50% जो है एसोर्ट पेंशन दिया जाएगा। पिछले वाले जो एनपीएस में थे कर्मचारी का डिमाइस डेथ होने के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा ये भी कुछ निश्चित नहीं था, तो अभी जैसा कि आपने देखा कि जो इमीडिएट पेंशन मिल रहा था उसका 60% उनकी फैमिली को भी दिया जाएगा। मोतिहारी के गोविंदपुर स्थित बगीचा में पुलिस ने छापेमारी कर 10 ड्राम से 1000 लीटर नकली पेट्रोल जब्त किया है। ये नकली पेट्रोल घोड़ा सहन के रास्ते विभिन्न इलाके में सप्लाई की जाती थी। कारोबार में शामिल गिरोह के सदस्यों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। नीतीश कुमार बिहार के लोकप्रिय नेता है, उन्होंने बिहार के विकास के लिए कई काम किए हैं, बिहार में लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बिहार के अंदर हर समाज वर्ग धर्म का बराबर उन्होंने ख्याल रखा है।
सबको सम्मान देने का काम किया है, विकास के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास भी किया और विकास के साथ साथ बात का भी ध्यान दिया है, किसी को आपसी भाईचारा का नुकसान न हो, सौहार्द न बिगड़े, इसका उन्होंने ख्याल रखा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कल एक बैठक हुई थी, बैठक में कुछ मामला जो बिल का मामला है जो आप जानते हैं, उसी बिल पे चर्चा पहले भी हुआ था। नेता नीतीश कुमार जी बराबर ये करते रहे, किसी भी समाज को बिलोंग करते हैं, वर्ग धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी को कुछ दुख नहीं होने देंगे, कोई कष्ट नहीं होने देंगे, सबको लेकर चलने की बात करते। कभी वोट की लालच नहीं की उन्होंने, वोट की बात कभी नहीं की, हमेशा सबका सम्मान किया है। वोट देता है नहीं देता है इसको कोई लेना देना नहीं। तो बिहार में जब से उन्हें कमान संभाला है, विकास की बात करते हैं, हर समाज की बात करते हैं। कुछ लोग हैं जोट की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, हमारे नेता जमात की बात करते हैं। कल जो बैठक हुआ उस बैठक में आप जानते हो कि जमीन बोली का बातें चल रही हैं, कुछ बिंदु पर कुछ लोगों को बात करना था। आप भी जानते हैं कि नेता नीतीश कुमार जी के कहने पे ही वो समिति में गया, वो एक तमाम मेंबर बन रहे हैं, जो आप कमेटी तैयार हुई जो आप जानते हैं, उस कमेटी जो बनी हुई है वो मेरे पार्टी के भी लोग हैं, अदर पार्टी के भी लोग हैं। हमारे नेता ने ही ये बात करके वहाँ दिल्ली में बात करके एक समिति में डालकर समिति बनवाया है नीतीश कुमार जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी, जनाब नीतीश कुमार जी हमारे नेता, लोकप्रिय नेता, ये चाहते हैं कि एक सौहार्द बिहार के अंदर बना रहे, बिहार साथ देश के अंदर बना रहे। बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जमीन सर्वे में कोई भी अधिकारी अगर गड़बड़ी करते पकड़े गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार अभी तक 22,000 गांव में सर्वे कर चुकी है, जिन लोगों ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया उस जमीन को दोबारा असली मालिक को दिया जाएगा। कि जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें हम लोगों ने अभी ग्राम सभा का शुरुआत करवाया है और करीब 22,000 गांव ग्राम सभा लगाया जा चुका है। उसमें हम वहां के मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर को कह करके पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उनको बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सारे कागजात हमारे पोर्टल पर हमारे राजस्व कर्मचारी के पास उपलब्ध हैं। अगर किसी तरह के कागजात की कमी है तभी आपसे हम उस पर सवाल करेंगे या वो कागजात की मांग करेंगे। पहला दूसरा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कि बंटवारा नहीं हुआ है और गांव में होता है क्या कि दादा बेटा उसके जो परिवार के लोग सब हैं सभी लोग अपना अपना जमीन आपस में बांट लेते हैं और उनके कब्जा में, तो वैसे परिस्थिति में भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो बंसावली बनाकर जो देंगे और जो आपस में सहमति बनाकर देंगे तो उन सभी लोगों को का वही जमीन माना जाएगा जो उनके परिवार वाले आपस में बैठ करके बताएंगे। हम सर्वे में वही चाहेंगे। तीसरा ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कोई कागजात नहीं है अभी तक, तो वैसे कोई भी मामला जिनका कि कागजात उपलब्ध नहीं है उनको भरपूर समय दिया जाएगा कि आप अपने कागजात को अगर चाहते हैं निकलवाना तो निकलवा कर दीजिए, जिससे कि सर्वे में हम आपका नाम चढ़ा सकें। चौथा जो सबसे अच्छा है, जो कि कुछ नेता के समझ में नहीं आया, एक दो नेता कुछ से कुछ बोल गए, जिनका जमीन पर कब्जा है और गांव वाले सब लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन पर वहाँ है और पहले से भी उनका नाम अगर उसमें चला आ रहा है तो हम एक बार सर्वे में उन्हीं को उसका रैयत मानेंगे। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखना हो तो आप जमुई के खैरा प्रखंड स्थित ये अस्पताल चले आइए। ऐसे तो बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। मामला जमुई के खैरा प्रखंड की है। यहाँ पर डिलीवरी के तुरंत बाद महिला को जमीन में एक बेड के सहारे लेटा दिया गया, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार नेहरू ने। एक तरफ जहाँ बिहार का स्वास्थ्य विभाग जो है ये दावा करता है कि बिहार में पूरी तरह जो है स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, और वहीं पर आप देख सकते हैं मैं अभी मौजूद हूँ जमुई जिला के खैरा CSC में, और यहाँ पर देख सकते हैं ये वार्ड है जो है डिलीवरी वार्ड है और यहाँ पर जो है कई महिलाएं आपको जो है ज़मीन के नीचे ही बैठी हुई दिख जाएंगी। आप
इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो खैरा का प्रखंड का CSC जो है अस्पताल, यहाँ पर सुविधाएं किस तरह की लोगों को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये डिलीवरी मरीज है, इनका डिलीवरी हुआ है रात में ही हुआ है और अभी तक इनको ना ही बेड उपलब्ध कराया गया, ना ही इनको जो है उचित दवाइयाँ दी गई। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे मरीज़ जो है ज़मीन पर ही, जिन महिलाओं का डिलीवरी हुआ ज़मीन पर ही बैठी हुई है, इनके लिए कोई उचित बाड की उचित जो है बेड की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? सिंधु कुमारी। कब हुआ था आपका डिलीवरी? 5 बजे भोर में। 5 बजे तो आपको बेड वोड मिला या ऐसे ही यहीं पे बैठे हुए? ऐसे ही बैठा ले। ऐसे बैठा ले। तो डिलीवरी के समय में डॉक्टर नर्स सब मौजूद था कि नहीं था? कुछ नहीं था। तो डिलीवरी कहाँ पे हुआ आपका? ऐसे ही हुआ। यहीं पे जहाँ बैठे हुए यहीं पे डिलीवरी? हाँ ऐसे ही हुआ। तो उस समय डॉक्टर वगैरह कोई भी यहाँ पे आए नहीं? आए कोई ना आए। डिलीवरी के बाद कोई आए देखे या नहीं देखे? ना अभी। अभी तक कोई डॉक्टर इलाज किए? कोई टीका वीका लगा है अभी तक? हाँ अभी खाली टीकाकरण के सुइया भी पड़ा है। एक सुई पड़ा है। बच्चा अलावा कोई डॉक्टर चेक किए बच्चा वगैरह को कुछ? ना अभी। हैं? ना अभी। क्या नाम बताया आपने? सिंधु कुमारी। घर कहाँ आपका? अमारी। और इसी तरह आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर कई सारे जो है डिलीवरी के लिए जो आई हुई महिलाएँ हैं, सब आप देखेंगे एक तरह से ज़मीन पर ही बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। कहाँ घर हुआ आपका? गोपालपुर। गोपालपुर। कब हुआ आपका डिलीवरी? 7 बजे। तो 7 सुबह में? आज सुबह में डिलीवरी हुआ, उसके बाद से आपको बेड वेड कुछ नहीं मिला? बिस्तर नहीं, नहीं कुछ नहीं। तो यहीं कार्टून पे ही बैठे हुए हैं आप सुबह से? डिलीवरी कहाँ हुआ था, किस जगह पर? रूम। डिलीवरी रूम में करा के फिर आपको यहाँ ले आया? और डॉक्टर वगैरह इंजेक्शन सुई दवाई वगैरह कुछ मिला आपको? खाली मिला बच्चा को। बच्चा को सुई दिया गया और आपको कोई टीका होगा? हमको भी दिया सुई। आपको भी टीका? डॉक्टर वगैरह चेकअप किया बच्चे का? वहाँ ले गया। आप देख सकते हैं इस अस्पताल की कुव्यवस्था ही कहें कि यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं जो डिलीवरी पेशेंट हैं, आपको लगभग जमीन पे ही सबको बैठे हुए दिख जाएंगे, इनको किसी को भी जो है बेड अलॉट नहीं किया गया है। क्या नाम है आपका? विनीता कुमारी। विनीता कुमारी। आपका कब हुआ डिलीवरी? क्या कब डिलीवरी हुआ आपकी? 2 बजे रात में। 2 बजे रात में। तो कब से क्या बेड वेड कब हुआ आपको? नहीं हुआ। नहीं, यहीं पर जमीन पर ही आप बैठे हुए हैं। हाँ। घर कहाँ है? जल जाओगा। डॉक्टर वगैरह इस दौरान आपका चेकअप वगैरह किया बच्चे का? नहीं, कोई चेकअप नहीं हुआ, कोई डॉक्टर वगैरह नहीं आया? नहीं। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो है इस अस्पताल में जो है खैरा के प्रखंड के अस्पताल में कुव्यवस्था फैली हुई है कि यहाँ पर डिलीवरी के जो भी पेशेंट हैं उनको अभी तक ज़मीन पर बैठा कर रखा गया है, इनको बेड भी अलॉट नहीं किया गया। इसके साथ ही जो है डॉक्टर द्वारा कई बच्चों का जो है चिकित्सीय परीक्षण भी नहीं किया गया। और आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर गंदगी में ये लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जमुई से 99 न्यूज़ के लिए कुमार नेहरू की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं झारखंड के गिरिडीह की। आपको बता दें कि गिरिडीह के सेरवा और बिरने में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। यहां पर डायरिया ने तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही गावा के प्रभारी चिकित्सक अपनी टीम के साथ गांव में ही कैंप किए हुए हैं। टीम ने पीड़ित लोगों का इलाज भी शुरू कर दिया है। अभी एम्बुलेंस की मदद से मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया जा रहा है। बेहतर चिकित्सकों की देखरेख में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों ने ग्रामीणों से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और पानी को उबाल कर पीने की सलाह दी है। यहाँ से लेके गल यार बांसा टाइन यार वहाँ एक पानी लगा डगदर में डगदर वहां तो एक बोतल पानी तुरते एकदम सनसना के चढ़ा दल को और फिर एक बोतल लगा के और हमने के भेज दल तो गिरेडी। गिरिडीह में फिर कौन अस्पताल में भेजे? यह सरदार हॉस्पिटल। तो वहाँ इलाज होले? इलाज भलो यह पानी पर गए चढ़ल दवाई बीरू कुछ ना ओकरा में डाला लो आ फिर कल को कि अपना से पैसा से खरीद के लानिए दवाई सुइया तो फिर सुइया लान को खरीद के दवाई खरीद के। गुमला शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए शहर के बाहर बाईपास सड़क का निर्माण किया जा रहा था। 5 साल के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन वाहनों का आवागमन शुरू हो गया। सड़क के किनारे कटाव इतना अधिक हो गया है कि यहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। गुमला में बन रहा बाईपास अधूरा तो है ही और अब सड़क निर्माण का ये अधूरा काम आम लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। निर्माणाधीन इस सड़क के कई जगहों पर कटाव इतना अधिक है कि कभी भी यहां बड़े हादसे हो सकते हैं। गुमला में जो बाईपास बना है वो तो बहुत ही
परिश्रम से जनता का बना, बहुत इसके लिए मांग हुआ, कितना बार चक्का जाम हुआ, रोड जाम हुआ, लोग कितना लोग कोशिश किए तब जाके बाईपास बना। बाईपास बन तो गया, लेकिन आज ये विडम्बना है कि बाईपास बनने के बावजूद भी कई जगह बाईपास एक तो पूरा बना नहीं है, बहुत जगह अधूरा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। समझ में नहीं आता है कि क्या सोच के बाईपास बनाया गया और क्या सोच के इसको अधूरा छोड़ा गया है। और अगर इसको अधूरा ही छोड़ना था तो इसको बनाने का क्या मतलब था? एकदम मतलब कोई प्रशासन को या किसी को कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो नेता मंत्री हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे विभाग के आदमी हो। लगता है कि सबको एकदम आराम से कुंभकर्णी नींद में सोए हुए। 5 साल पहले शुरू हुआ सड़क का ये निर्माण कार्य आज भी अधूरा है। सड़क निर्माण के पीछे मकसद था कि शहर को जाम से निजात दिलाई जाए, लेकिन सड़क बनने से पहले ये जान पर ही बनाई है। कई जगहों पर सड़क लगातार कट रहे हैं, सड़क पर कई जगह गड्ढे बन गए हैं और इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जो है अधूरा निर्माण होने के कारण यहाँ पर सड़क के किनारे किनारे मिट्टी का कटाव होते जा रहा है, सड़क भी धीरे धीरे किनारे किनारे टूटती जा रही है, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है। और बहुत दिनों से हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि यह मार्ग बनेगी, और अभी फिलहाल हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी गड्ढा है जहाँ पर सड़क टूट गया है वहाँ पर किनारे किनारे गार्डवाल का कोई निर्माण होना चाहिए, ताकि दुर्घटना ना हो और आवागमन बाधित ना हो। कई बार पदाधिकारियों को बोला भी गया, लेकिन सब जी जी इस संबंध में तो NH या जिला प्रशासन को बराबर आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराता गया है। और इस बार फिर मेरा निवेदन होगा हम ग्रामीणों का कि कृपा करके इसको शीघ्र इसको बनाएं, इसकी मरम्मत करें। सियासी दलों को इस सड़क के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। गुमला जिला प्रशासन भी सड़क की बदहाली पर मौन है। अब चूंकि फिर चुनावी मौसम आने वाला है, फिर सड़क की बदहाली पर सियासी रंग चढ़ेगा। लोग भी उम्मीद लगाएंगे कि सड़क निर्माण का अधूरा काम इस चुनाव में पूरा हो जाएगा। गुमला से संवाददाता सुशील कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज। लोहरदगा के नवाटोली में राज्यपाल ने दीदी किचन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने चीरी गाँव में एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान राज्यपाल ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर राज्यपाल ने वहां पर मौजूद लोगों से किसान योजना, PM आवास योजना, नल जल योजना सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। वास्तव में जो आम आदमी के लिए सुविधाएं सरकार दे रही है वो मिल रही है या कोई दिक्कत है, ये पूछने और सुविधाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो इस काम की जानकारी के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम महसूस करते हैं कि यहाँ पर केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं और राज्य सरकार जो भी काम कर रहे हैं उनके बारे में लोगों की क्या राय है, और उसके बारे में अगर कोई सुझाव हो तो लोग सुझाव दें। तो बाकी वार्तालाप आपने यहाँ पर सुना है, मैं चाहूँगा कि इन योजनाओं में कोई कमी ना रहे, जो सरकार सहायता दे रही है वो सारी की सारी सही ढंग से। गुमला परिसदन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने जिले में आदिम जनजातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के साथ ही विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। सिमडेगा में एक बार फिर खाट में सरकारी सिस्टम झूलता नजर आया है। मामला ताराबोगा पंचायत के कुरुमडेगा गांव का है। यहां पर स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम खटिया पर चल रहा है। गांव में पक्की सड़क तो छोड़ दीजिए, गांव में एक ढंग की कच्ची सड़क भी नहीं है जहां पर लोग चल सके। सड़क नहीं रहने के कारण एक मरीज को खटिया में लादकर सड़क के पास लाया गया। उसके बाद यहां से उसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेबस ग्रामीण सिस्टम को कोसने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उनका कहना था कि सरकार विकास के दम तो भरती है, लेकिन वह धरातल पर नजर नहीं आता। सिमडेगा जिला के ठेठेटांगर प्रखंड के ताराबोगा पंचायत के कुरुमडेगी गांव के वासियों को देश के आजादी के 78वां स्वतंत्रता दिवस के बाद भी मूलभूत सुविधा में उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहाँ पे एक महीना से बिजली नहीं है, नेटवर्क की भी समस्या है, और साथ ही साथ 10 वर्षों से लगातार उन्हें मजबूरीवश टापू में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लगातार अनेकों बार मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक से अनुरोध किया गया कि पुल का निर्माण किया जाए, पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके कारण अगर कोई व्यक्ति बीमार होते हैं तो उन्हें खाट में ढोके लेना पड़ता है।
ऐसे हजारों विद्यार्थी हैं जिसको डेली स्कूल आना जाना पड़ता है, लेकिन नदी में पुल नहीं रह पाने कारण अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों का अनुरोध है इन सभी महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। गिरिडीह के एक निजी क्लिनिक में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। बता दें कि 3 दिन पहले सर्जरी से प्रसव कराया गया था और आज अचानक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया और लापरवाह चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और दोषी चिकित्सक पर कार्रवाई करने की बात कही है। इधर गिरिडीह के पचम्बा स्थित क्रेसेंट नर्सिंग होम में भी चिकित्सक की लापरवाही से जच्चा और बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि चिकित्सक की लापरवाही से दोनों की मौत हुई है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। और इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ 99 न्यूज पर। नमस्कार।